तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर ऑफिस। यार तो दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम छतों से ही काइट फाइटिंग करने वाले। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये कुछ पतंगे हैं। तो अभी इन्हीं में से एक मैं अच्छी सी पतंग निकालता हूँ अपने लिए, जिस और फिर वही पतंग हम पार करेंगे। तो ये वाली पतंग मुझे सही लग रही है, तो और हम रख देते हैं अलग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रही पतंग, अजंता पेपर की पतंग है, काफ़ी बढ़िया। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको टेपिंग करके दिखा दे रहा हूँ कि भाई पतंग में टेपिंग कैसे करते हैं। टेपिंग करने से क्या होता है, जैसे कि आप लोग नए लोग हैं, मतलब जो फेस्टिवल के टाइम में पतंग उड़ाते हैं, तो कई बार आपकी पतंग क्या होती होगी, दीवारों में टकरा जाती होगी, जिससे कि आपकी पतंग फट जाती है। तो देखिए, ऐसे आप टेपिंग कर लेंगे ना, तो अगर आपकी पतंग दीवारों में टकराएगी तो वो फटेगी नहीं, और फटेगी तो बहुत कम चांसेस होंगे फटने के। ये देखिए, यहाँ पे हमें शोल्डर में भी इसके टेपिंग कर लेनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पतंगें फटती हैं वो यहीं से फटती हैं, यहाँ से कर ली। और कई बार क्या होता है, जब आपकी पतंग उड़ती है तो इधर डोरा फंस जाता है, जिसके चक्कर में आपकी पतंग गिर जाती है, तो ये साइडों से भी आप कर लेंगे टेपिंग। तो एक मैं इस वाले साइड में भी लगा देता हूँ टेप। ये देखिए, यहाँ पर भी हमने लगा दिया। तो टेपिंग तो हमारी हो गई, अब मैं आपको कन्ने बांध के भी इसमें दिखा देता हूँ कि भाई कन्ने कैसे बांधने। तो कन्ने बांधने के लिए देखो, मैं तो ऐसे होल कर लेता हूँ नीचे घिस के। आप वो चाहे सीख से कर ले, चाहे ऐसे कर ले, कैसे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद तो कन्ने बांधना मैंने अपनी पहले की वीडियो में बता रखा, जिन्होंने नहीं सीखा है तो आप लोग देख लीजिए। आपको करना है ये लेनी, सद्दी से ही बांधने कन्ने, उसके यहाँ से ऊपर का उसे डबल करना है, और उसके बाद यहाँ से डाल के इधर से निकाल देना है, और फिर यहाँ से हमें अच्छे से इसे टाइट करके बांध देना है, ताकि जो हमारी काप हो वो हिले नहीं। अगर हमारी काप हिलेगी तो हमारी पतंग मतलब सही से मूव नहीं करेगी। उसके नीचे से भी हमें ऐसे ही करना है। ये देखिए, यहाँ से डाला और यहाँ से निकाल दिया। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है यार, कन्ने बांधना कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ना। तो यहाँ से देखिए, हमने कन्ने भी बांध लिए इसके। उसके बाद जो ऊपर का है वो आप अपने हिसाब से कर लेना सेट। तो आज थोड़ी हवा तेज़ चल रही है, तो यहाँ पे देखिए मैंने छोटे ही कन्ने बांधे, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं लिया उसके बीच में। यहाँ पे देखिए, हमारे कन्ने बन गए। अब इस पतंग को उड़ा के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ये रही हमारी पतंग पूरी रेडी है उड़ने के लिए। ये देखिए, हमने कन्ने ने बांध के टेपिंग भी कर ली है। चलो इस पतंग को उड़ाते हैं। और एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जैसे कि मंजा है ना, और ये सादा मंजा एकदम कॉटन, तो मंजा जो होता है ना, आप पूरी चरखी में ऐसे मत चढ़ाया करो, सद्दी के ऊपर एक जगह में मंजा ऐसे चढ़ाया करो, जिससे कि मंजा एकदम बढ़िया रहता है आपका, और वो उलझता भी नहीं है। वरना आपका मंजा अगर आप इधर उधर चढ़ाएंगे ना, तो वो मतलब उसमें घिससे लग जाते हैं। तो आपको एक ही जगह में मंजा चढ़ाना है, जैसे मैंने चढ़ा रखा है। तो यहाँ पे देखिए, हम पतंग अपनी पार कर लेते हैं, और हवा काफ़ी बढ़िया चल रही है, और सामने आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा पतंगबाजी हो रही है। तो अभी मैं पतंग पार करता हूँ, और जहाँ पे आपको पतंगें दिख रही होंगी आगे, उन्हीं के पास मैं अपनी पतंग ले जाता हूँ, और फिर उनसे पेड़ लड़ाते हैं, और फिर उनकी पतंग काट के भी आपको दिखाएंगे, या फिर अगर मेरी पतंग कट गई तो मैं बता भी दूंगा कि भाई मैंने क्या गलती करी कि मेरी पतंग कट गई। तो आप लोग वीडियो पूरी देखते रहना। तो देखिए, हमारी पतंग अच्छी खासी पार हो गई है। चलो, अब मैं आपको डायरेक्टली पेड़ लड़ा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, हमारी पतंग अच्छी खासी पार हो गई है, और देखिए एक पतंग हमसे लड़ाने भी आ रही है। तो मैं आपको बता दूँ, जो पतंग आपको रेड सर्किल के अंदर दिख रही होगी, ये देखिए, जो पतंग आपको रेड सर्किल के अंदर दिख रही होगी, मेरी पतंग है, मैं ऊपर से हूँ, और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है, वो नीचे से आ रखा है। और देखिए, मैंने ऊपर का पेज लिया है, तो वो नीचे से आ रहा है, और काफ़ी नीचे करके अपनी पतंग ला रहा है। तो देखिए, जो काफ़ी नीचे करके पतंग लाते हैं ना, तो आप अपनी पतंग ज़्यादा दबाया मत करो, वरना वो आपकी पतंग खींच के ले जाएंगे। तो ये देखिए, टावर के इधर को निकल आया वो, और बीच में टावर आ रहा, तो मुझे भी पतंग अपनी निकालनी पड़ेगी टावर के उधर। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अपनी पतंग टावर के इधर को कर ली है। चलो, अब इससे लड़ाते, वो नीचे से ही है, ये मैंने पतंग पटकी अपनी, उसने और नीचे कर ली अपनी पतंग। देखिए, वो सोच रहा कि मुझे मुड्डा मारने का मौका ही ना मिले, और वो अपनी पतंग खींच ले जाए। तो यहाँ पे हम अपनी पतंग थोड़ी उठा के रखते हैं, ताकि जैसी वो खींचे, हम बाहर को खींच के उसकी काट सकें। इसने खींची, मैंने बाहर को खींची, और देखिए उसकी पतंग हमने काट दी। तो देखा दोस्तों, पहले उसे ही हमने खींचने दिया, और जैसी उसने खींची पहले, और जब हमें लगा कि भाई अब डोर टच होने वाली है, तो एंड टाइम में मैंने क्रॉस में खींच के उसकी पतंग काट दी। ये तो था पहला पेज, अब आपको दूसरा पेज दिखाते हैं।
तो यहाँ पे आपको पतंगे दिखाऊँ तो देखिए एक पतंग सामने रही, वो देखिए कट के आ रही है, और इधर दिखाऊँ तो देखिए इधर एक दो पतंगे उड़ रही हैं, और नीचे भी आपको पतंगे दिख रही होंगी, ये देखिए चारों तरफ आपको पतंगे दिख रही होंगी, और इधर भी देखिए पतंगे ये उड़ रही हैं। तो अभी मैंने पहली पतंग काटी है, अब आप लोग मेरा दूसरा पेज देखिए। तो ये देखिए दोस्तों हमारा एक और पेज आ गया, और जो आपको रेड सर्कल के अंदर पतंग दिख रही होगी ये मेरी पतंग है, मैं ऊपर से हूँ, और ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है, वो नीचे से आ रखा है। तो ये देखिए एकदम नीचे करके वो पतंग ला रहा है, और मैं सोच रहा हूँ कि एकदम डोरा मिला के उसकी पतंग काटूँ, ये उसने खींची, मैंने उसके हाथ की तरफ दिखाई थी, लेकिन यहाँ पे देखिए वो मेरी पतंग एकदम कन्नों के पास से काटना चाह रहा था, तो यहाँ पे देखिए मैंने पतंग बचा ली पूरी, मैंने ऊपर कर ली थी ताकि वो कन्ने ना काट सके मेरे। तो दोबारा से उसने पतंग देखी नीचे कर ली है अपनी, ये फिर गया मैं नीचे, ये उसने खींची, मैंने एकदम मारा मुड्डा, और देखिए उसकी पतंग काट दी। तो देखिए एकदम मैंने गद्दा मार के पतंग उसकी काट दी है दोस्तों। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने दूसरी पतंग भी काट दी, तो अभी आप और पेज देखना, और पीछे से आप देख सकते हैं ये देखिए गिलहरा पतंग एक कट के आ रही है, काफ़ी लंबी डोर है लेकिन मेरे छत के ऊपर से नहीं है इसकी डोर, ये देखिए, और ये काला वाला उसे लपेटने की कोशिश कर रहा है, ये देखिए काफ़ी लंबी डोर है इस पतंग की गिलहरा की। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम एक और पेज लड़ाने लगे, और सामने देखिए वो रही मेरी पतंग, अभी जब पेज लड़ेगा तो मैं आपको रेड सर्कल करके दिखा दूंगा, और नीचे से एक पतंग लड़ाने आ रही है हमसे, लेकिन वो टावर के एकदम पीछे है तो मुझे दिख नहीं रही है। तो अब देखिए लड़ाने आ गया, तो मैं आपको बता दूं जो आपको रेड सर्कल के अंदर पतंग दिख रही होगी ये मेरी पतंग है, मैं ऊपर से हूँ, और ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग नीचे से आ रखा है। तो अभी मैंने दो पतंगें काट रखी हैं, और ये हमारा तीसरा पेज लड़ रहा है। तो ये देखिए मैंने एकदम पतंग नीचे पट की है, और आगे भी काफ़ी ज़्यादा पतंगें उड़ रही हैं, मुझे डर है कहीं मेरी पतंग उसमें ना पड़ जाए और उनसे ना कट जाए। तो देखिए, तो फिर से देखिए जहाँ तक है मैं बाहर का क्रॉस में खींचने की कोशिश करूँगा, तो ये हमारे अपन ने सीधा खींचा, मैंने क्रॉस में खींचा, लेकिन अब की बार जो था हमारी पतंग कट गई, क्योंकि हमारी पतंग थोड़ी छोटी भी थी और थोड़ी मुझसे खींच भी सही से नहीं पड़ी, तो यहाँ पे मेरी पतंग देखिए कट गई है। तो देखिए हमने दो पतंग काटी और उसके बाद हमारी पतंग कट गई। तो दोस्तों यही थी वीडियो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों ये वाली वीडियो लाइक कर देना, और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो काइट शॉप के ऊपर आने वाली है, तो वाली वीडियो तो देखना बिल्कुल मत भूलना, नेक्स्ट वीडियो काइट शॉप के ऊपर आने वाली है, और आप लोग कमेंट कर देना कि काइट कटिंग की वीडियो और चाहिए, तो मैं आपके लिए ये वाली वीडियो भी डाल दूंगा। तो मिलते हैं फिर भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।